वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ फरहाना और आज आई हूँ एक नई वीडियो के साथ। आज है ईद का दिन, तो आप सबको मेरी तरफ से ईद मुबारक। अमायरा बोलो ईद मुबारक, बोलो आराम आराम। हाँ, दोनों सुबह जल्दी जल्दी उठे हैं ना, तो थक गए। यहाँ पर ये 1.5 लीटर दूध है, इसको मैंने पकने के लिए रखी हूँ। अब इसको मैं रात में पका के ले रही हूँ और फिर बाद में सुबह इसका मैं शीरकुरमा बनाऊंगी, क्योंकि शीरकुरमा बनाने के लिए दूध को ठंडा किया जाता है। शीरकुरमा बनाने के लिए यहाँ पर मैंने लिए एक बर्तन, होममेड घी है, तो ये हम लोग डालेंगे इसमें 2 टेबल स्पून। घी को थोड़ा मेल्ट होने देते हैं। घी अब मेल्ट हो गया है, अब इसमें हम लोग डालेंगे ड्राई फ्रूट्स। एक इलायची और दालचीनी का टुकड़ा, और इसको हम लोग थोड़ा सा फ्राई करके लेंगे। अब सारे ड्राई फ्रूट्स को हम लोग अच्छे से फ्राई करके लेंगे। ड्राई फ्रूट अच्छे से फ्राई हो गया है, इसमें हम लोग डालेंगे सेवई। इसको भी 2 मिनट के लिए हम लोग अच्छे से सौटे करेंगे। अब ड्राई फ्रूट सेवई अच्छे से भून गई है, हम लोग फ्लेम को करेंगे ऑफ और इसको थोड़ा ठंडा होने देते हैं। इसके बाद हम लोग इसमें दूध मिलाएंगे। अब ड्राई फ्रूट्स भी अच्छे से ठंडा हो गया है, इसमें हम लोग दूध मिलाएंगे। दूध को हम लोग छान के मिलाएंगे। दूध को हम लोग छान के डालेंगे इसमें। अब इसको अच्छे से हिलाएंगे। फ्लेम को करेंगे ऑन और इसको धीमी आंच पे हम लोग पकने देंगे। अब इसमें हम लोग 3-4 धागे केसर के डालेंगे। इसको भी करेंगे अच्छे से मिक्स। दूध को हम लोग जब बॉईल करते हैं तो उसमें शक्कर डाले थे, एक बार चेक करेंगे शक्कर कम या ज्यादा है क्या। अगर जरूरत पड़ी तो हम लोग इसमें थोड़ा सा शक्कर मिलाएंगे। अब शीरकुरमा बनकर रेडी है, अब हम लोग इसको गर्मा गर्म परोसेंगे। देखिए हमारा शीरकुरमा बनके रेडी है। शीरकुरमा बनकर रेडी है, आप लोग भी आइए खाने के लिए। तो फ्रेंड्स, मैंने ईद के लिए बनाई हुई यहाँ पर ज़ीरा राइस, चिकन फ्राई, कुचुम्बर और ये मटन कोरमा। तो आप लोग भी आइए खाने के लिए।